गरीब माँ बेटी की जादुई पेंसिल। शारदा अपनी 5 साल की बेटी सोनी के साथ एक टूटे फूटे झोपड़ी में रहती थी। शारदा के पति अरुण की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से शारदा अपनी बेटी के साथ इस गरीबी में जी रही थी। माँ, बहुत भूख लग रही है, खाना दो ना। बेटी, मैं तुझे खाना कहाँ से ला कर दूँ, घर में एक चावल का दाना भी नहीं है। माँ, पर खाली पेट की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, कुछ तो दो ना। अपनी बेटी को भूख से बिलखता देखकर शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है, हे भगवान, ये तो मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। ऐसे दिन दिखाने से अच्छा तो तू हमें मार ही देता, अब मैं अपनी बच्ची का पेट कैसे भरूं? माँ, क्या सोच रही हो, कुछ दो ना। तभी शारदा को याद आता है, बेटा आज शंकर मंदिर में भंडारा होने वाला है ना, चल मैं तुझे वहाँ लेकर चलती हूँ, वहाँ कुछ न कुछ तो खाने के लिए मिल जाएगा हमें। इतना कहकर शारदा अपनी बेटी को मंदिर ले जाती है और उसे वहाँ भंडारे का खाना खिला देती है। शारदा अपनी बेटी के साथ ऐसे ही अपनी गरीबी के दिन जी रही होती है कि तभी एक दिन, सोनी तुमने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया। सॉरी टीचर, मेरे पास पेंसिल नहीं थी इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई। तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला होमवर्क ना करने का? टीचर, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पेंसिल नहीं है। तो अपनी मम्मी को बोलो कि वो तुम्हें पेंसिल दिलाए। टीचर, मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है। तो पापा को बोलो कि वो दिलाए। मेरे पापा नहीं है, वो तो कब के भगवान जी के पास चले गए। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब है, यही तमीज है अपनी टीचर से बात करने की। टीचर्स को सोनी की बातों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो उसे मारती है और पनिशमेंट देती है। आज तो सिर्फ 1 घंटा ही हाथ ऊपर करके खड़ा करा है, अगर कल भी तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो पूरा दिन ग्राउंड में हाथ ऊपर करके खड़ा करूंगी, समझी। जिसके बाद सोनी रोते हुए अपने घर आ जाती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर शारदा उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ सोनी, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने डांटा है या मारा है क्या तुम्हें? माँ, मुझे आज टीचर ने मारा और पनिशमेंट दिया। लेकिन क्यों मारा तुम्हें, कोई गलती की थी क्या तुमने? मेरे पास पेंसिल नहीं थी इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए टीचर ने मुझे मारा। उन्होंने कहा है कि अगर कल भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो वो कल मुझे मारेंगी। माँ, मुझे उनकी मार नहीं खानी है, बहुत दर्द होता है, देखो मेरे हाथ कैसे लाल हो गए हैं। आप मुझे एक पेंसिल दिला दो ना, जिससे मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूं। मेरी बच्ची, मैं तुझे पेंसिल कहाँ से दिलाऊं, मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है। माँ, मुझे मार नहीं खानी है, मुझे नहीं पता, आप मुझे कहीं से भी पेंसिल ला कर दो। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर शारदा सोच में पड़ जाती है कि कैसे वो अपनी बेटी को पेंसिल दिलाए। थोड़ी देर सोचने के बाद शारदा अपनी बेटी से कहती है, बेटा मेरे पास एक पेंसिल है, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर शारदा अपनी बेटी को अपनी झोपड़ी में ले जाती है। इस छोटी सी झोपड़ी के कोने में एक बहुत पुराना बक्सा रखा होता है। शारदा उस बक्से को खोलती है, जिसमें से वो एक पेंसिल निकालती है और अपनी बेटी को दे देती है। माँ, ये पेंसिल तुम्हारे पास कहाँ से आई? बेटा, ये पेंसिल मुझे किसी ने दी थी। लेकिन किसने माँ? अपनी बेटी के पूछने पर शारदा उसे बताती है, शारदा जल्दी आओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। आई आई, मुझसे ज्यादा तो आपको जल्दी है हॉस्पिटल जाने की। होगी क्यों नहीं, ये मेरा पहला बच्चा है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। सोनी अभी पैदा भी नहीं हुई होती है और अरुण भी अभी जिंदा होता है। अरुण अपने पहले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो शारदा का चेकअप कराकर शारदा को वापस घर ला रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी अम्मा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने वाली होती है, जिसे देखकर अरुण उस बूढ़ी अम्मा की जान बचा लेता है। अम्मा, आप ठीक तो हो ना, आपको चोट तो नहीं लगी ना? बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तू ना होता तो ये बूढ़ी की जान कौन बचाता। अम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, आप तो माँ जैसी है हमारी, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा उन्हें एक पेंसिल दे देती है। ये लो बेटा, ये पेंसिल रख लो। लेकिन अम्मा, हम इस पेंसिल का क्या करेंगे? कल को जब तुम्हारा बच्चा हो तो उसे ये दे देना, और हाँ, याद रखना, इसे कभी भी गलत हाथों में मत जाने देना और ना ही इसका कभी गलत इस्तेमाल करना। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है।
वो बूढ़ी अम्मा कौन थी माँ? पता नहीं बेटा, अब मैं अपना होमवर्क करूंगी। सोनी खुशी खुशी अपनी ड्राइंग बुक खोलती है और अपना काम करने लगती है। सोनी जैसे ही अपनी ड्राइंग बुक में एक एप्पल ड्रॉ करती है, वैसे ही उस बुक में एक रोशनी होती है और वो एप्पल बाहर आ जाता है, जिसे देखकर शारदा और सोनी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हुआ माँ? पता नहीं बेटा, एक काम करो तुम कुछ और बनाओ। अब सोनी अपने लिए एक सुंदर सी फ्रॉक बनाती है। इसके बाद उसकी ड्रॉइंग के बाद एक सुंदर सी फ्रॉक बाहर आ जाती है। इसका मतलब ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, ये जादुई पेंसिल है। हाँ माँ, ये पेंसिल तो जादुई है। इस पेंसिल से हम जो भी बनाएंगे वो असलियत में बन जाएगा। अब मैं क्या बनाऊँ? बेटा तुम्हारे मन में जो आए वो तुम बना लो। माँ हमारे घर में एक पंखा भी नहीं है और मुझे बहुत गर्मी लगती है, क्यों ना मैं एसी बनाऊँ। इसके बाद सोनी अपनी ड्रॉइंग में एक बड़ी सी एसी बनाती है। उसकी ड्रॉइंग जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही एक सुनहरी रोशनी के साथ वो एसी बाहर आ जाती है। अरे वाह, ये एसी तो बहुत सुंदर है, अब हम ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे। शारदा और सोनी अब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो अपनी जरूरत का हर सामान बनाने लगते हैं, फ्रिज, टीवी, कपड़े, जिससे अब उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और अब उनके पास एक बड़ा सा घर भी होता है। शारदा और सोनी रोज रोज अच्छा खाना खाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। देख रही हो ममता, ये शारदा का तो पति भी नहीं है, फिर भी इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? हाँ मायावती, कल तक इसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और आज देखो खुद का घर है, इतने अच्छे कपड़े हैं, लगता है कोई खजाना हाथ लग गया है इनके। सही कह रही हो, एक काम करते हैं, इनके घर जाकर देखते हैं। मायावती और ममता जलन के कारण शारदा के घर के बाहर ताका झांकी करने लगती है, जहां वो लोग खिड़की से सोनी को एक चॉकलेट की ड्राइंग करते हुए देखते हैं और देखते ही देखते वो चॉकलेट सोनी के हाथों में आ जाती है। देखा ममता, तो ये राज है इनके अमीर बनने का। मायावती और ममता चुपके से शारदा के घर पर आ जाते हैं और वो जादुई पेंसिल चुरा लेते हैं, लेकिन अचानक वहाँ शारदा आ जाती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो और तुमने ये पेंसिल कैसे ली? हम जान गए हैं कि तुम लोग अमीर कैसे बने, अब हम भी तुम लोगों की तरह अमीर बनेंगे। ममता इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से वो पेंसिल गायब हो जाती है और वहाँ वही बूढ़ी अम्मा आ जाती है। देखते ही देखते वो बूढ़ी अम्मा एक परी के रूप में बदल जाती है। कौन हो तुम और वो पेंसिल कहाँ गई? मेरा नाम जैस्मिन है और मैं एक परी हूँ, मैंने ही वो जादुई पेंसिल इन्हें दी थी। इतना कहकर वो परी दोनों को हवा में उठा देती है और उल्टा टांग देती है। हमें माफ कर दो, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ अब हम ऐसा नहीं करेंगे। जैस्मिन परी उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से फौरन भाग जाती हैं। शारदा ये लो, इस पेंसिल को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना, उस दिन तुमने और अरुण ने मेरी जान बचाई थी, इसके बदले में मैंने तुम्हें जादुई पेंसिल दी थी। तुम लोग हमेशा सबकी मदद करती हो, तुम हमेशा ही ऐसी सबकी मदद करते रहना। इतना कहकर जैस्मिन परी वहाँ से चली जाती है और अब शारदा और सोनी हमेशा अपनी जादुई पेंसिल से सबकी मदद करते हैं। सुनो जी, रसोई में एक भी सब्जी नहीं है, दो आलू पड़े थे, रात को उसकी सब्जी बना दी थी, अभी क्या बनाऊं? हरी अपनी जेब टटोलता है और अंदर से 50 का मुड़ा तुड़ा नोट निकालता है। मेरे पास 50 रुपए हैं, इससे जाकर सब्जी ले आना। बहू चिलचिलाती कड़ी धूप में सब्जी खरीदने बाजार आती है। ये कहानी है मधु की। मधु के ससुराल की माली हालत खास अच्छी नहीं थी, घर में सास ससुर, ननद, जेठानी और उसकी एक बेटी रहा करती थी। गरीबी के बीच इतने परिवार की गृहस्थी चलाना एक अकेले कमाने वाले हरी के लिए कठिन होता जा रहा था। सब्जी कितनी महंगी है, इतनी महंगाई में गरीब क्या कमाएगा और क्या खाएगा? गर्मी और पसीने से तर मधु 50 रुपए की सब्जी खरीद कर घर आने लगती है, तभी वह बाजार में एक औरत को मोमोज बेचता देखती है। इस मोमोज के ठेले पर कितनी भीड़ है, मुझे तो मोमोज बनाना आता है, क्यों ना मैं भी मोमोज बनाकर बेचूं? घर आकर बहू मोमोज बनाकर बेचने की बात अपने ससुराल वालों के सामने रखती है। बहू पहले ही तू सारा दिन घर का काम काज करके इतनी थक जाती है। माँ जी हरी भी तो दिन भर कड़ी धूप और गर्मी में खून पसीना बहाते हैं, तब जाकर हमारे घर का चूल्हा जलता है, मैं बस उनकी मदद करना चाहती हूँ। मोमोज बनाकर बेचने से जो दो पैसे आएंगे उससे घर खर्च चल पाएगा। सुधा को अपनी बहू की बात ठीक लगती है, फिर गरीब बहू कड़ी धूप भरी गर्मी में बाजार से मोमोज बनाने का सामान घर लाकर मोमोज बनाना शुरू करती है। मधु भाभी आप तो पूरी तरह गर्मी और पसीने से भीग गई हैं, मैं कुछ मदद करूं? नहीं मेरी प्यारी ननद, ये मैं कर लूंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी पूजा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे,
पूजा पढ़ने चली जाती है और गरीब बहू अकेली मेहनत करके मोमोज बनाती है। सारी गोभी भी घिस गई और मोमोज बनाने का मसाला भी बन गया है। अब जल्दी से मैदा मल देती हूँ। इसके बाद बहू मोमोज बनाकर घर के आंगन में पतीले में मोमोज बनाकर गर्मी में ग्राहकों का इंतजार करती है। मोमोज खा लो, मोमोज खिले खिले चटपटे तीखे मोमोज, एक बार खाओगे स्वाद को भुला नहीं पाओगे। तभी गरीब बहू के मोमोज देखकर कुछ ग्राहक अंदर आते हैं। अरे बहन जी, कैसे बेच रही हो ये मोमोज? 10 रुपए के 5 मोमोज हैं भाई साहब, कितने प्लेट लगाऊं? एक प्लेट मोमोज लगाना। गरीब बहू ग्राहक को एक प्लेट मोमोज खाने को देती है। मोमोज के अनोखे स्वाद से ग्राहक बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस मोमोज में क्या गजब का स्वाद है, एक प्लेट और लगाना। बहू ग्राहक को एक प्लेट और मोमोज दे देती है और चिलचिलाती गर्मी में बैठकर ग्राहकों के आने का इंतजार करती है। और अपनी फटी पुरानी साड़ी से पसीना पोंछती दोपहर ढलने तक गरीब बहू के सारे मोमोज बिक जाते हैं। इसके बाद वह अंदर आती है जहां सफेद साड़ी में बैठी विधवा कविता बर्तन मांज रही होती है। जेठानी जी, मैं तो आ ही रही थी, फिर आप क्यों बर्तन मांजने लगी? अरे देवरानी जी, एक तो पहले ही तुम दिन भर भरी गर्मी में भूखी प्यासी मोमोज बेच रही थी, अब कुछ खा लो, मैं बर्तन मांज कर खा लूंगी, चलिए आप हटिए। मधु खुद से बढ़कर अपनों का ख्याल रखती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। गरीब बहू हर दिन भारी गर्मी में मीलों दूर जाकर जंगल से कड़ी धूप में कठिन कुल्हाड़ी से लकड़ी काटती और उन्हें ढोकर घर आती और फिर मेहनत झोंक कर मोमोज बनाकर भूखी प्यासी गर्मी में मोमोज बनाकर बेचती। धीरे धीरे गरीब बहू अपने मोमोज के गजब के स्वाद के लिए ग्राहकों के बीच छा जाती है। वाह भाभी, यू आर टू गुड, आपके मोमोज ने तो धमाल मचा दिया है। बस अगर मेरा मोमोज का व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो ये गरीबी बहुत जल्दी मिट जाएगी। मधु की आंखों में अपने ससुराल की गरीबी मिटाने की उम्मीद जगी ही थी कि धीरे धीरे गरीब बहू के मोमोज का व्यापार ठप पड़ गया जब ग्राहकों ने गर्मियों के मारे वहां आना बंद कर दिया। ये ग्राहकों को क्या हो गया है, पिछले 2 दिनों से एक भी ग्राहक मेरे मोमोज खाने नहीं आए। क्या कुछ सोचा था मैंने कि इस मोमोज के स्टॉल से मैं अपने ससुराल में छाई गरीबी को खत्म करूंगी। ऐसा सोचते हुए गरीब बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी कविता की बेटी पीहू उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, चुप हो जाओ चाची, आप चिंता मत करो, आज मैं अपने दोस्त को लेकर आऊंगी, वो आपसे मोमोज खरीदेंगे और आपके सारे मोमोज बिक जाएंगे। दोपहर में स्कूल से घर लौटते वक्त पीहू अपने कुछ दोस्तों को घर लाती है और मधु सभी को मोमोज खिलाती है। तभी मिंटी गर्मी से परेशान होकर कहता है, अले पीहू यार, यहाँ कितनी गर्मी है, अगर यहाँ एसी होती तो बहुत सारे ग्राहक होते। मिंटी की बातें सुनकर मधु को ग्राहकों के ना आने की परेशानी पता चलती है। तो गर्मी के कारण मेरे सारे जमे जमाए ग्राहक यहाँ नहीं आ रहे? और नहीं तो क्या मधु भाभी, आपको पता है ये महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ज्यादातर ग्राहक वो खाना खाने से ज्यादा एसी की ठंडी हवा खाने जाते हैं, तो सोचिए अगर उन्हें एसी की ठंडी हवा यहाँ मिल जाएगा तो आपके यहाँ तो कबना स्वादिष्ट मोमोज उनके मुंह से नहीं छूटेगा। मैं अपने महीनों की मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगी, मैं आज ही एसी लगवाऊंगी। इसके बाद गरीब बहू किश्त पर एसी घर ले आती है और घर के आंगन के हिस्से को इंटीरियर लुक देकर उसे मोमोज के रेस्टोरेंट में बदल देती है। साथ ही कई तरह के मोमोज बनाना भी सीख लेती है जिससे ग्राहक एक बार फिर गरीब बहू के मोमोज खाने खींचे चले आते हैं। बहन जी जल्दी से गर्मा गर्म मोमोज खिलाइए। अरे मोमोज रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है, कहिए कौन सा मोमोज खाएंगे आप, तंदूरी मोमोज, कुरकुरे मोमोज, स्टीम वेज मोमोज या चिकन मोमोज? मोमोज की इतनी सारी वैरायटी, एक काम करो पहले आप सभी में से 2-2 पीस ले आओ। मधु गर्मा गर्म मोमोज ग्राहकों को परोसती है। ये लीजिए गर्मा गर्म मोमोज। यार नील, क्या खिले खिले मोमोज है भाई, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ऐसा कहते हुए ग्राहक मोमोज पर टूट पड़ते हैं। सच में ऐसे चटपटे तीखे मसालेदार मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाए। आपके बनाए मोमोज में एकदम नपा तुला मिर्च मसाला है और स्वाद का तो क्या ही कहना। अब तो हम यहीं से मोमोज खाया करेंगे क्योंकि यहाँ मोमोज के साथ मुफ्त में एसी की ठंडी हवा भी जो मिलेगी। अब एक के बाद एक बहुत से ग्राहक गरीब बहू के घर एसी की ठंडी हवा में मोमोज खाने आते हैं जिससे मधु के बनाए मोमोज की बिक्री बढ़ती चली जाती है जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। तभी एक दिन पूजा कहती है, भाभी आपके मोमोज का स्वाद कोई जवाब नहीं, मगर अगर आपको फराटेदार इंग्लिश आ जाए तो ग्राहकों पर अच्छा इम्प्रेशन जम जाएगा। पूजा मधु को इंग्लिश सिखा देती है और अब गरीब बहू अपने रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक का स्वागत इंग्लिश में करती। वेलकम टू माय मोमोज रेस्टोरेंट, योर ऑर्डर सर। फैंटास्टिक, आपको इतनी फास्ट और फ्यूरियस इंग्लिश आती है। एक प्लेट मोमोज ले आइए।
मधु झटपट से मोमोज बनाकर कस्टमर को देती है। धीरे धीरे गरीब बहू के मोमोज का रेस्टोरेंट पूरी तरह जम जाता है और अपने आप में बड़ी छवि छोड़ता है। अब गरीब बहू के मोमोज रेस्टोरेंट में कई सारी एयर कंडीशनर एसी लग जाती हैं और बड़े वक्त तक गरीबी और गर्मी झेलकर मधु अपने मोमोज के लिए खूब प्रसिद्ध होती है। मधु, मैं इस परिवार का बेटा हूँ, पर वो सब न कर पाया जो बहू होकर आज तुमने कर दिखाया। देवर जी ठीक कह रहे हैं, मैंने देखा है किस तरह देवरानी जी ने दिन भर भूखे प्यासे गर्मी में बैठकर ग्राहक के आने का इंतजार किया था ताकि हम गरीबी से निकल सके। बहू, हम तुझे इस गरीबी के सिवा कुछ ना दे सके, मगर तुमने अपनी भूख प्यास नींद सब कुछ न्योछावर करके इतनी मेहनत की, वरना तो हम इस गरीबी में ही दम तोड़ देते हैं। एक दिन भुखमरी की आग में झुलस जाते, मगर तूने अपने जज्बे से सब कुछ बदल दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और ये मेरा सौभाग्य है जो मैं तुझ जैसी बहू की सास हूँ। अपनी मेहनत की बदौलत मधु को ना सिर्फ अपने ससुराल वालों से मान मिला, बल्कि ग्राहकों के बीच उस गरीब मोमोज वाली बहू ने खूब नाम कमाया। हालात चाहे कितने भी हारे क्यों ना हो, बहुत कुछ कर गुजरने वाले के लिए उम्मीद की एक किरण ही काफी होती है।